सिंह जी, गोपाल जी कुलवासरा, राम कुमार जी कुलड़िया, श्री राम जी पंचायत समिति सदस्य, सभी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडली मंगलायस्तनो हरि। रणजीत जी जाति से आग्रह करूंगा कि वो अक्सर अपना साथ देने के लिए भाई रणजीत जी निर्माण कार्य के आवेदक उनमें भी उडेरा से लेके बाडा की ढाणी तक लगभग 33 करोड़ रुपए की सड़क का निर्माण कार्य है जो बहुत जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी है। इसी तरह चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो तो सड़कों के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क के काज शिलान्यास हुआ है तो इस वार्ड के पार्षद हंसराज जी सीधे और राजेश जी पारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके का यह कार्यक्रम था। आज ये जो चूरू से उदासर तक, वैसे तो ये सदारसर से चूरू तक है और ये 1 करोड़ 1 किलोमीटर की राशि की सड़क है। बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो हमें जिले मुख्यालय पर जोड़ती है और इसमें हमेशा हमारे सरदारसर तहसील के बहुत सारे गांव आते हैं। उदासर, खिवणसर, सहारसर, कामासर, पुलासर, काड़ूसर, ये अपने काकलासर, छाजूसर, उदासर, बहुत सारे गांव हैं। लगभग 300 गांवों को ये सड़क प्रभावित करेगी, प्लस 210 गांवों को ये जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। बहुत समय से लोगों की ये मांग थी कि इस जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाए। श्रद्धेय विधायक पंडित मोहनलाल जी शर्मा ने का एक सपना था जो आज साकार हुआ है और यहाँ के संवेदक तुरंत ही सड़क को शुरू कर देंगे और सभी गांव के लोगों को और पिछड़ेपन शहर के वार्डों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। निर्माण कार्य में एक बहुत बड़ा कदम है। तो टोल मुक्त ये सड़क बताई जा रही है, इससे आमदन को फायदा मिलेगा। ये जो सड़क बन रही है टोल मुक्त सड़क है, इससे आमदन को फायदा मिलेगा क्योंकि जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क है। अब जिला मुख्यालय लोगों को काम पड़ता ही रहता है तो जाना पड़ता है और लगभग इधर अगर देखा जाए तो सरदारसर से और सरदारसर तहसील में सरदारसर से उदासर तक है लगभग दोनों साइड में 40 गांव आते हैं तो उन लोगों का भी आना जाना रहता है, सरदारसर आना जाना रहता है तो उनको भी ये बगैर टोल मुक्त जो सड़क मिलेगी उससे बहुत राहत मिलेगी और बहुत बड़ी सुविधा जो ये मिलने जा रही है। सर कब तक सड़क का जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा? ये 10वें महीने के अंदर सड़क का कार्य संपूर्ण करने का संवेदक को ये गाइडलाइन डाली हुई है तो 10वें महीने तक लग जाएगी तो सड़क पे कोई मतलब रोक या ऐसा कुछ पहले टेंडर हो जाता है, रिकॉर्डर हो जाता है, फाइनेंशियल वित्तीय स्वीकृति आ जाती है तो उसमें से आचार संहिता लगे और लगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।